जी कुछ फ्रेंड ने बताया था कि और अदर सब्जेक्ट के ऐसे सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको सर्विंग के बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप सॉइल बताया था, आरसीसी और स्टील, तो मैं आज सॉइल ला रहा हूँ क्वेश्चन, जियोटेक बोलते हैं उसको, सॉइल मैकेनिक्स। देन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल? सॉइल को तो आप ऑब्वियसली इजीली जान सकते हैं, सॉइल अर्थ, जो अर्थी मटेरियल सच अ वेदरिंग रॉक एन ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस कॉल्ड सॉइल। सॉइल के बारे में आपको थोड़ा डीपली बता देता हूँ कि जो सॉइल मैकेनिक्स है उसके फादर अपन का फादर का नेम है कार्ल टर्जागी, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस कार्ल टर्जागी, ठीक है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स आर्ड विक्यू मैकेनिक, इसका मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, ERDBQU मैकेनिक्स, ये बुक का नेम है, नेम ऑफ बुक, ERDBAQU एंड मैकेनिक्स। एंड जो पब्लिश्ड हुआ था ये बुक 1925। एंड देन हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग में बता देता हूँ, वेदरिंग जो कि अभी इसमें आएगा, देखो सपोज वेदरिंग अपने दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, अभी क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा अभी। देन डिफरेंशियल बिटवीन द रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या होता है? एक पूरी आपने सुना होगा पिडोजेनेसिस, पिडोजेनेसिस एक पूरा जो सॉइल का जो प्रोसेसिंग होती है, देन पूरा बोलते हैं उसे पिडोजेनेसिस। प्रोसेसिंग मैं बताया था, प्रोसेसिंग एक हिली एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से अपना इरोजन सॉइल होता है, सॉइल इरोज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स ऊपर से हिल से अर्थ सर्फेस तक ट्रांसपोर्ट होना, ऊपर तक नीचे आना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एंड कहीं भी बीच में रुक जाए इस देश कॉल रेडिजुअल, ठीक है। फिर एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बह रहा है, नीचे आ रहा है, एंड उसके बाद डिपोजिशन, मीन्स वहाँ अर्थ में रुक जाना, एंड अप एंड रिपीट अपवेवल, उसको बोलते हैं अपवेवल, अपवेवल फिर होना, फिर उसके बाद फिर रिपीट, ये सर्कुलेशन होता रहता है, इसको बोलकर प्रोसेसिंग बोलते हैं पिटोजेनेसिस। एंड एंड आपको बताते हैं डिफरेंशियल, हाँ, रेजिडुअल सॉइल ट्रांसपोर्टेशन सॉइल, आप इसमें अब इजीली आप समझ सकते हैं रेजिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सॉइल क्या होता है। द वेदरिंग और द डिसइंटीग्रेशन सॉइल विच रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहाँ रिमेन्स रह जाता है, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन स्टार्ट होता है, वही इस कॉल इसको रेजिडुअल सॉइल होते हैं। वेयर है जहाँ द सॉइल विच गेट्स डिपोजिटेड आफ्टर गेटिंग ट्रांसपोर्टेशन टू एनदर प्लेस, मैंने कहा ना एनदर यानी कि हिल एरिया से अर्थ सर्फेस था, एनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। आप इजीली इसको अब बहुत माइंड में इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे, रेजिडुअल सॉइल ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। फोर्थ, व्हाट आर द चीफ एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सॉइल फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ देयर फॉर्मेशन? आप इसको द चीफ एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सॉइल, वाटर, विंड एंड आइस, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग सॉइल एंड वेदरिंग हो सकता है। एंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म वेदरिंग? वेदरिंग का आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक इन द स्मॉलर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड वेदरिंग। फ्रेगमेंट होता है टुकड़े, स्मॉल टुकड़ों में चेंज कर देता है जैसे वेदरिंग, ठीक है। हाउ डज मैकेनिकल वेदरिंग? मैंने बताया था आपको मैकेनिकल वेदरिंग, मैंने आपको बताया था मैकेनिकल मीन, मैकेनिकल मीन कह सकते हैं फिजिकली एंड केमिकल, फिजिकल और केमिकल टू टू टाइप के होते हैं। मैकेनिकल मैं बताया था, मैकेनिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस बाय द एटमोसफेयर गैसेज, टेम्परेचर चेंजेस, फ्लोइंग वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड और आइस भी कह सकते हैं, ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ये सब अपना फिजिकली में आता है। एंड केमिकली मैं बता देता हूँ नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय केमिकली वेदरिंग? केमिकल में, द केमिकल वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑब्टेन बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक आर केमिकली अल्टर्ड फर्दर इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट। हाँ, तो मैं नाइन्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन बाय कार्बोनेशन? ए केमिकल रिएक्शन विद एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोनेशन। डज टेन क्वेश्चन, डज कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस इन द फ्री एटमोसफेयर? आप इसको रीड कर सकते हैं बिकॉज 100 क्वेश्चन है, तो जल्दी मतलब कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अभी क्या फ़ायदा, अभी 40 मिनट्स एंड 50 मिनट्स अब हो जाएगा इसमें, देन टाइम इज सफिशियंट रखना पड़ेगा। देन 11 क्वेश्चन, आउट ऑफ लाइम स्टोन, रॉक सॉल्ट एंड रॉक जिप्सम, विच वन इज लार्जली वेदरिंग बाय वाटर? आंसर, ऑल ऑफ थ्री आर वेदरिंग बाय वाटर क्वालिटी इक्वली। 12, व्हाट इज मीन बाय द टर्म लीचिंग? द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच वाटर सॉल्युबल मटेरियल गेट्स रिमूवल बाय वाटर इज कॉल्ड लीचिंग।
आप इसको इतना मतलब इजीली डेफिनेशन आपको इजीली आप समझ सकते हैं इसे। 13 आप रीड कर लो, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एंड इस जो उसमें ट्रू फॉल्स है ना, वन वर्ड है, देन ट्रू फॉल्स यानी कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनहेंसेस द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग, ऑब्वियसली ट्रू इसका राइट रहेगा। देन इसका आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ट्रू आप टिक लगा सकते हैं। 15 क्वेश्चन भी आप इजीली आप पढ़ सकते हैं एंड 16 भी ट्रू है। 17 द वेदरिंग प्रोडक्ट कैरिड इन सॉल्यूबल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेड एट लार्ज स्टेज अर्लियर स्टेज, और इसका आंसर है लेटर स्टेज। आप 18 पढ़ सकते हैं जो मरीन सॉल। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, सपोज 19 क्वेश्चन है, मरीन सॉल आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी वाटर फ्रेश वाटर लेक्स, उसको सी वाटर या फ्रेश वाटर लेक्स बोलते हैं। तो सी वाटर मरीन सॉल्ट कहाँ से, मरीन सॉल्ट मरीन जानते हो, मरीन यानी एक सॉल्ट आता है, सॉल्ट एक सॉल्ट आती है मतलब थोड़ा नमकीन टाइप में, तो डेट्स सी वाटर, सी वाटर से आते हैं सब मरीन सॉल्ट। एंड मैं इसको बता दूँ टाइप, इसके जो अभी ये क्वेश्चन है 19, इसमें आप और डिटेल में भी जा सकते हैं। ये टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के काफ़ी टाइप हैं, आप मैं आपको आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एलुवियल सॉइल, लेक स्ट्रैंड सॉइल, मरीन सॉइल, ईओलाइन सॉइल, लूज सॉइल, कॉलोवियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, माल सॉइल, और इनको सब में अभी इतना टाइम नहीं होना, मैं डिटेल में बता सकता हूँ ये कहाँ फॉर्म्ड होती है एंड सब। देखो चलो ईओलाइन सॉइल बताया था, ईओलाइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय ये विंड, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ईओलाइन सॉइल। ये मैंने टाइप में बताया था, उसमें ईओलाइन है जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय विंड कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ये फिजिकली में आता है, फिजिकल वेदरिंग एंड वाइंड एज द एजेंसी, मैंने आपको फिजिकल बताया था जो कि विंड विंड आइस एंड वाटर एटसेट्रा। और ये ईओलाइन सॉइल कहाँ रहता है आपको पता है, जैसलमेर, जैसलमेर मतलब जो रेगिस्तान जगह होती है ना, वहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है बिकॉज वहाँ विंड ज़्यादा आती है एंड पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ सॉइल ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट 21 द क्वेश्चन लेस एग्रीगेट ऑफ साइज फ्रॉम इतना 0.075 टू 4.75 mm एज टर्म एज सेंड, या ट्रू इसका एग्रीगेट इसका साइज रहता है 4.75 तक, ना ये भी अच्छे क्वेश्चन है आप देख लीजिए। 22 आप पढ़ सकते हैं जो कि वो एग्रीगेट्स कह सकते हैं इतना साइज, एंड साइज 100% क्वेश्चन ये आते हैं साइज का हर एग्जाम में आता है। एंड ये आप देख लीजिए ग्रेवल 22 क्वेश्चन है जो कि ग्रेवल का साइज 4.75 टू 80 mm। एंड 23 आप रीड कर लीजिए, 24 आप इसको रीड कर लीजिए आप, द लूज डिपॉजिट, हाँ जी मैंने आपको बताया था अभी लूज सॉइल के बारे में ना, 25 बता देता हूँ मैं, द लूज सॉइल लूज डिपॉजिट ऑफ विंड ब्लोन सील्ड वीकली कमेंटेड बाय ए स्मॉल कैल्शियम कार्बोनेट एंड हैविंग वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन साइज एंड हाई वर्ड इज कॉल्ड द पीट या लूज सॉइल। और लूज सॉइल को अपन एक मैं अलग डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, लूज सॉइल एक क्यों होता है, ये क्या एक इसका मेन रीजन है, बिकॉज ये ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है, एक ब्लैक कॉटन सॉइल के फेमस के रीजन इसका ब्लैक कॉटन यानी इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सैंड सिल्ट, इट इज स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। लूज सॉइल को आप और देख लीजिए थोड़ा, आप नेट में सर्च करने के बाद आप देख लीजिए टाइप ऑफ सॉइल, तो आपको पूरा पता चल जाएगा बिकॉज मेरा टाइम नहीं है, वरना मैं सारे सॉइल के बारे में आप डिटेल बता सकता हूँ। 26 आप देख लीजिए फॉल्स आंसर है, 27 ट्रू, 28 का ये, एंड 29 टू स्टेक्स ऑफ अ गैलोमाइट पार्टिकल द हेल्ड टुगेदर फेयरली टाइट बाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज आंसर इज हाइड्रोजन। आप 30 क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए एंड आंसर वीकर एंड स्ट्रोंगर। 34 इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3-4-5 मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ 5, ठीक है इसमें 5 आंसर है। एंड इन अब 32 एडिट कर लीजिए, 2 आंसर है, 33 2 आंसर है, 34 फर्टाइल आंसर, एंड 35 फॉल्स, 36 क्ले साइज। ये मेरे जो फॉल्स 2 है ना, आप इसको पोलाइटली मत लीजिए, आप इसको थोड़ा अच्छी तरह लीजिए बिकॉज फॉल्स अपन कह सकते हैं, बिकॉज ये पूरा डेफिनेशन पढ़ोगे अंडरस्टैंड करोगे तो अपन कह सकते हैं कि ये दैट्स इज ट्रू। 33 क्वेश्चन है इसमें ट्रू आप कह सकते हैं बिकॉज ट्रू इसलिए बिकॉज सही है। एंड डेजर्ट सॉइल लुक येलो बिकॉज इट हैज़ बीन वेदरिंग फ्रॉम द सैंड स्टोन। अब इसका मीन्स आप समझ सकते हो डेजर्ट सॉइल को येलो क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये
डेजर्ट सॉइल, ऑब्वियसली डेजर्ट सॉइल लुक्स येलो, येलो लगता है बिकॉज इट हैज़ बीन वेदरिंग फ्रॉम सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से आता है, ठीक है। तो आप मतलब ट्रू कह सकते हैं, सही है। 36 आप रीड कर लीजिए, क्ले साइज है इसका, साइज मैंने बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रेवल, क्ले साइज, एग्रीगेट, सिल्ट साइज, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101% आएंगे, तुम देखना। व्यापम में भी आ सकता है, MBPSC में आ सकता है, अदर एग्जाम में आ सकता है। तो 36 क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्ले साइज का, द साइज पार्टिकल ब्लो 0.002 mm आर कैटेगरी एस क्ले साइज, सबसे मिनिमाइज साइज रहता है क्ले साइज का, सबसे मिनिमाइज। द सॉल पार्टिकल साइज बिटवीन द 0.002 mm एंड 0.075 mm आर कैटेगरी एस सिल्ट, एंड दिस सिल्ट साइज, सिल्ट साइज इज ग्रेटर देन क्ले साइज, फर्स्ट क्ले साइज, फिर सिल्ट साइज, फिर एग्रीगेट साइज एंड लास्ट ग्रेवल। एंड उससे 38 आप सैंड साइज कह सकते हैं, देन सैंड साइज और एग्रीगेट साइज एक ही है, इतना सेम साइज रहेगा इनका। एंड सॉरी क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया, 24 अपने रीड कर लिया ऑलरेडी, एंड 39 ना 40 रिपीट हो गया था, सॉरी। देन 40 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू 0.001 mm, 0.0001 mm, आंसर इज 0.00 mm। आप 41 इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, सो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 41 व्हेन आर ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज सीव्ड थ्रू एयर, 4.75 mm इज IS सीव, द पोर्शन ऑफ ऑफ द सॉइल रिटेन ऑन द सीव इज दैट ऑफ ग्रेवल या सैंड साइज, ग्रेवल आंसर। 42 आप रीड कर सकते हैं, वेट सेविंग आंसर है। 43 10 मिनट्स आंसर है। 44 बोथ, एंड 45 ट्रू, 46 ट्रू, एंड 48 द मोस्ट प्लास्टिक सॉलिड इज सैंड या क्ले। आपको मैंने लास्ट में बताया था पहले कि जो जो जीरो प्लास्टिसिटी रहता है देन सैंड, इसमें मोस्ट प्लास्टिक सॉलिड। ये क्वेश्चन, ये 48 क्वेश्चन आप अच्छी तरह रीड कर लेना से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि पूछ लिया अभी जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उसमें ऑप्शन दे देंगे सैंड, क्ले, एग्रीगेट या जो भी है, तो आप आंसर लगाओगे सैंड। सैंड में सबसे जीरो प्लास्टिक रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है क्ले में। 49 विद इनफ वाटर इन क्ले इट बिहेव इज अ लिक्विड एंड सॉलिड, ऑब्वियसली लिक्विड, लिक्विड वे में कैसे सॉलिड नहीं करते, सपोज ओनली क्ले रहेगा देन आप सॉलिड कह सकते हैं, बट वाटर इनफ रहेगा देन इट्स बिहेव लाइक अ लिक्विड। 54 स्टेट्स आप 50 अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेन इन अ सॉइल, अटरवर ए ग्रेट साइंटिस्ट क्लासीफाइज सॉइल इन टू 3 and 4 states. और 51 क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, 52 भी आप रीड कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। 53 एट द प्लास्टिक लिमिट द सॉइल लूजेस इट्स कंप्लीट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी आंसर। 54 आप रीड कर लीजिए, नथिंग एल्स, WL-WPM आंसर। WL-WP होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफाइंड एज द रेंज ऑफ द कंटेंट और रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एट मुंबई मरीन क्ले एंड डेली इटसेल्फ इतना 5.1। ये भी अच्छा क्वेश्चन। 56 आप रीड कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैसा ग्रांड है द मैटर ऑफ द क्लासीफाइंग सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी वाज सजेस्टेड बाय कैसा ग्रांड या अटर वर्क, कैसा ग्रांड, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कैसा ग्रांड है अटर्स वर्क के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ग्रेन साइज आपका रीड कर लीजिए, कोर्स ग्रेन साइज साइज है। 58 द प्लास्टिसिटी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल आंसर इज फाइन ग्रेन सॉइल। 59 आप ये रीड कर लीजिए, बोथ दोनों सही है, कैसा ग्रांडेड टेस्ट एपरेटस एंड कौन पेनिट्रेशन मैटर, 60 रीड कर लीजिए ट्रू, एंड 61 आप स्ट्रेट लाइन कर सकिए, आंसर इज स्ट्रेट लाइन। 62 द मेनिस्कस करेक्शन टू द ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर रीड रीडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर। आप इसको देख लीजिए, डी 60.016 mm एंड डी 10.002 mm इज ऑप्टेन फ्रॉम द ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ सॉइल दैन यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट इज 4.48, आंसर इज 8 यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट
ना ठीक है, आंसर इज 8 द 64 ट्रू कर लीजिए आप, 65 आंसर इज जीपी, 66 ट्रू एंड 67 ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, द क्ले पार्टिकल आर स्मॉलर देन 2 माइक्रोन, मैक्सिमम लोग 75 माइक्रोन लगाते हैं बट इसमें आंसर इज 2 माइक्रोन, द रेशियो ऑफ यूनिफॉर्मली कोफिशियंट एंड कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर ऑफ सॉइल D60/D30 आंसर, डिफाइन ए सी एल, डिफाइन अ सी एल ऑफ सॉइल, आंसर रीड कर लीजिए आप, कोई इतना टफ नहीं है, आप देख सकते हैं इसका 70 क्वेश्चन, सी एल सॉइल इज सूटेबल फॉर द यूज इन एम्बैकमेंट ड्यू टू इट्स इम्परवियस कैरेक्टरिस्टिक, ट्रू आंसर, सारे ट्रू हैं इसके, अभी इसके लिए इजीली है, इतना टफ नहीं, हाँ ये क्वेश्चन 74 क्वेश्चन बता देता हूँ, ईजी ईजी क्वेश्चन वाला आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी और आता है, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो, हैविंग वॉइड रेशियो, आप इसके बता दें ई अपॉन 1 प्लस ई वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, आप इसको ईजीली आप पढ़ सकते हैं, एंड और भी चीज़ है जो कि आपके लिए एक सारा इनके इनके फार्मूला आप रीड कर लीजिए, सॉइल के जो हैं फार्मूला, काफ़ी फार्मूला आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने आपको वॉइड रेशियो बताया, वॉइड रेशियो ई का सिंबल करता है वॉइड रेशियो, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, इट इज़ डिफाइंड, इसको डिफाइन करता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देन मैं बता देता हूँ इसका वी वॉल्यूम वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये अपना वॉइड रेशियो का क्या कहते हैं फॉर्मूला है, अच्छे क्वेश्चन है, एंड इससे काफ़ी फॉर्मूला आते हैं, जैसे दैट इज पोरोसिटी कह सकते हैं, पोरोसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वी वी अपन वी टी इंटू 100, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100, पोरोसिटी हो गया, और भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन इसका वी डब्ल्यू अपन वी वी इंटू 100, याद कर लेना इसको, लिख लेना, एंड एयर कंटेंट भी आता है, और वी ए अपन वी बी इंटू 100, वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100, आंसर इज एयर इसका, एंड काफ़ी है इसके, और भी रीड कर लेना बट अभी टाइम नहीं है, देन मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे इससे सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं काफ़ी, एंड 75 रीड करने के बाद आप कर लीजिए आप 76 भी आप ये मैंने बताया था, ये फॉर्मूला देखो आप रीड करने के बाद यूनिट सॉरी 76 इफ गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर दैट इज यानी कि वॉइड रेशियो इज द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल एंड जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल द सम मर्ज्ड इन यूनिट वेट आंसर इज गामा डब्ल्यू जी माइनस वन अपॉन ई प्लस ई वन प्लस ई सॉरी देन मैंने बताया ना आपको फार्मूले बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाँ इंपॉर्टेंट है सो ये समर्ज्ड का फार्मूला है द समर्ज्ड लास्ट में समर यूनिट वेट का फार्मूला है देन इसको आंसर याद कर लीजिए 75 77 का आंसर पोरोसिटी दिया है एंड वॉइड रेशियो दिया है आंसर इज वॉइड रेशियो दिया है 0.39 पोरोसिटी दिया है 28% आंसर इज 39 द सैंड पोरोसिटी इट्स वॉल्यूम ठीक है व्हाट इज मीन बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले आप इसको रीड कर लीजिए ईजिली 79 78 भी 81 भी ईजी है 82 भी ईजी है एंड 83 इसमें कुछ है नहीं है तो मैं इतना नहीं ले रहा टाइम बिकॉज अभी टाइम बहुत कम बचा तो आपके लिए और बेनिफिट है कि टाइम ज़्यादा ना लिया जाए सो मैं आपको ये जो ट्रू वाले हैं आप रीड करने के बाद आप समझ सकते हैं इसमें कोई समझाने चीज़ नहीं है स्वेलिंग आप दे 88 क्वेश्चन द एक्टिविटी ऑफ क्ले सिग्निफाइज श्रिंक इज स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले स्वेलिंग एंड 89 इंपॉर्टेंट है एंड 90 भी आप रीड कर सकते हैं मॉन्ट मॉरेल देखो 90 और 89 क्वेश्चन इनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एंड 91 आप देख लीजिए 92 सैंड स्मॉल 94 इतना रहा 95 61 आंसर 96 97 98 99 सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ